माननीय हॉनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर चुके। उसी समय से झारखंड में, पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में दो फेस में चुनाव होगी। फर्स्ट फेस में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, सेकंड फेस में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। फर्स्ट फेस का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी, सेकंड फेस का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेस का पोलिंग है 13 नवंबर का है, सेकंड फेस का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबको काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा एक अंडा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर, कारण इसी बार हम लोगों का वो सनसेट टाइम है, थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7-5 था उसी तरफ से ही होगी, केवल कुछ एग्जम्पशन होगा उसका बारे में भी, एक एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेंगे, समय 7-5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। कमीशन इसी बार वो पूरा वो बाद में केवल चार यूनियन के बारे में बात की थी, उसमें इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का एनफोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस समय में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुका है, बाकी अपने ज्वाइन करके अपने काम में लग जाएंगे। उसी में इलेक्शन प्रिपरेशन का लेकर फर्स्ट फेस में 18 का है, इसलिए कम समय है नोटिफिकेशन करने के लिए, अपने प्रक्रिया अपने समय पर काम ले जाएंगे। लास्ट इलेक्शन में भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, इस तरफ से भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आपका पूरा तरफ से सहयोग अपेक्षित है। एक शांतिपुर एक वित्त नारायण सिंह एक इलेक्शन करना मतलब उसका मीडिया का सहयोग आवश्यक पड़ती है। आपके साथ में आपका सहयोग से इसी बार एक शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। साथ में इसी बार वो वोटर का कितना समस्या लास्ट इलेक्शन हुई थी उसका भी हम लोग इसी बार दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी कितना सुझाव मिली थी, कितना लाइन का कंट्रोल के संबंध में, स्पीड ऑफ वोटिंग का प्रोसेस के संबंध में, सब संबंध में हम लोग इस बार उसमें डिटेल वर्कआउट किया। एक एक बिंदु पर स्पेशल ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया था उन्हीं को, उनका वोटर का कोई असुविधा होना नहीं चाहिए उसमें। साथ में उनका वो समय पर हम लोग 7 कैसे शुरू करना है माप के संबंध में सभी एक एक बिंदु पर वो पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग की जा रही है। अभी फर्स्ट फेस फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी जिला पर चल रही है, उसके बाद एक एक राउंड में डिटेल ट्रेनिंग करके इस बार हम लोग वोटर का भी पूरा तरफ से हमें एक सुविधाजनक इलेक्शन कराएंगे। साथ में एक ही कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताया गया था अर्बन आपत्ति के बारे में, अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है उसी को, तो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसके इलेक्शन दिन में। इसी बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा देना, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया, उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली सेगमेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है का सबसे अर्बन एरिया है, वहां पर इसका लागू कर रहे हैं ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपने ऐप के माध्यम से देख सकते हैं, नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है।
एक कोल्ड डे मॉनिटरिंग के लिए एक पीडीएमएस ऐप तैयार करेंगे, कोल्ड डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कर कराया हुआ उसको, उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से कर। ये लाइन में बताना बहुत मुश्किल है, उसका एक बहुत बड़ा मैनुअल है आपका, लगभग आपका 300 पन्ना का मैनुअल है, उसे एक लाइन में बता दीजिए तो बोलिए मैं एक लाइन में बता नहीं पाएंगे, फिर भी वो आपका एक संक्षिप्त में बता देंगे आपको। कहां पर भी जमीन में काम शुरू नहीं हुआ वो काम का शुरू नहीं कर सकता, नया लाभ नहीं दे सकते, एग्जिस्टिंग लाभ क्या दिया जा रहा है वो दे सकते, ये बेसिकली स्कीम का लेकर। बाकी ट्रांसफर ये पोस्टिंग का लेकर वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 3 साल का ऊपर किसका पर्सा पर उनका सबका ट्रांसफर वो सर्टिफिकेट भी राज्य सरकार दे दिया, वो काम कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी का भी कैंडिडेट का भी वो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपका क्लियर दिया हुआ, उसमें उनका अपने कैंपेन में कभी भी वो जाति विभिन्न ये सब कुछ का प्रॉब्लम करके कुछ काम नहीं करना है, साथ में उनका एक्सपेंडिचर का लेकर अपने कंट्रोल है उसमें, वो भी अपने शामिल करते हुए अपने इलेक्शन में अपने कैंपेन वाला में शामिल करेंगे, ताकि उसमें वो डिटेल गाइडेंस दिया, एक एक बिंदु पर हम लोग डिटेल बात करना भी संभव नहीं, फिर भी मोटा मोटी हम लोगों का एक क्लियर है उसमें कुछ नया काम चालू नहीं होगी, एग्जिस्टिंग लाभ क्या है वो लाभ कंटिन्यू करेगी, साथ में वो 25 तारीख तक चुनाव होगी, उसके बाद प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट हो जाएगा। का हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे, पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको नहीं, हमको भी नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in like share and subscribe www.thefollowup.in